एचआरटीसी की रात्रि बस सेवा आज रात 12 बजे के बाद थम जाएगी। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। एचआरटीसी 38 महीनों का नाइट ओवर टाइम अभी पेंडिंग है, जिसके बाद यूनियन रात्रि बस सेवा को ठप करने जा रही है। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के बाद आंदोलन को कुछ दिन के लिए होल्ड करने के बाद 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने न उन्हें वार्ता के लिए बुलाया और न ही कोई मांग मानी। 15 मई को रात्रि 12 बजे के बाद कोई बस नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कि 9/5/2023 को हमारी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने 2 महीने का ओवरटाइम नाइट 2019 फरवरी और 2023 फरवरी का दिया था, जो हमारे खाते में आ गया है, और 2019 मार्च का देने के उन्होंने 20 या 25 तारीख को वादा किया था, लेकिन संगठन ने उस वार्ता को, हमारी वार्ता जो है बिल्कुल विफल हुई। हमने उसी टाइम उनको नोटिस 11 तारीख का दिया। जब 11 तारीख का दिया तो माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी ने बोला कि आप 13 तारीख का नोटिस दो और मैं मंत्री साहब से आपकी बात कराऊँगा। हमने वो नोटिस 13 की बजाय हमने 2 दिन और बढ़ाए, 15 तारीख का हमने नोटिस दिया, लेकिन दुख की बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज 14 तारीख होगी, ना ही तो माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी के तरफ से, ना ही प्रबंध निदेशक मोदी जी से हमारे साथ कोई बात हुई। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जो 15/5/2023 का जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमारी हमने रात्रि सेवा जो हम जाएंगे तो एडवांस लेकर जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि एडवांस कैसे लेकर जाएंगे, जैसे कोई ऑफिसर एडवांस लेकर जाता है और जब वो एडवांस जो है उसका बिल पास होता है, उस तरीके से हमें 3900 रुपया 1 महीने का एडवांस दिया जाए और महीने के बाद जब भी हमारा 3900 बनता है, 3600 बनता है, उसको काट के हम पैसे जमा कराएंगे, अगला एडवांस लेकर जाएंगे। अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारी, ड्राइवर और कंडक्टर रात्रि सेवा को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, हम रात्रि सेवा पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ कि समय रहते जागे ये ना सोचें ये कल का है। हम जब तक हमारे को एडवांस के रूप में रात्रि सेवा में जाने से पहले एडवांस ना दिया गया, हम रात्रि सेवा को बिल्कुल बंद करेंगे। रात 12 बजे के बाद, जैसे सवेरे सुबह हमारे 4 बजे का दिल्ली का रूट है तो दिल्ली का रूट हम रोकेंगे, जिस भी रूट पे नाइट लगती है उस रूट को रोकेंगे, जिस रूट पे नाइट नहीं लगती है गाड़ी हैंड बैग अपने स्थान पर अपने डिपो में पहुंची है, उस गाड़ी को हम नहीं रोकेंगे। बता देना सर, कम से कम 2500 लोकल और लॉन्ग रूट जो नाइटें हमारी चलती हैं, लोकल हमारी नाइटें जो है वो गामा में जाती हैं, नाइट वहाँ रुकती है, तो 2500 रूट जो हमारे प्रभावित होंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा ये ही नहीं ओवरटाइम नाइट का ही इशू नहीं है, हम सरकार से और प्रबंधन से सैलरी का साइल 50,000 और डिपार्टमेंटों को मिल गया, वो हमें दिया जाए। एरियर हमारे तरह तरह के पड़े हुए हैं, जो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे को नॉलेज के तौर पे 198 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार के पास कर्मचारियों का पड़ा हुआ है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि 198 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता है, सीधे सीधे एचआरटीसी के कर्मचारियों के, ड्राइवर और कंडक्टरों के ड्यूज रोक के एचआरटीसी को चलाया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। एचआरटीसी के कर्मचारी मेहनत करते हैं, दिन रात सेवा देते हैं, उनके ड्यूज को दिया जाए और ये तंगी का, घाटे का कोई हमें रोना ना रोया जाए। अगर यही पोजीशन अगर सरकार और प्रबंधन आज 5 बजे से पहले पहले हमें मीटिंग को टाइम नहीं देती है, तो कल सुबह से एचआरटीसी की रात्रि सेवाएं जो हैं वो एडवांस लेकर चलेंगी, अन्यथा बंद कर दी जाए।